हेलो एवरीवन, आज हम सॉफ्ट ग्लैम आई मेकअप लुक सीखेंगे। मैंने अपना स्किन केयर पहले ही कर लिया है। यहाँ पे मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, अपने नेक पे, और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं अपना कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। हमें कंसीलर वहीं अप्लाई करना है जिस एरिया को हमें हाईलाइट करना है। आप देख सकते हैं मैंने कहाँ कहाँ कंसीलर अप्लाई किया है। अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अब डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने अपना लिक्विड ब्लश लिया है। लिक्विड ब्लश को मैंने अपने चीक्स पे अप्लाई किया है। थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई करना है। फिर मैंने थोड़ा सा अपनी नोज़ पे भी और चिन पे भी अप्लाई किया है, और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको ब्लेंड कर लिया है। मुझे थोड़ा कम ब्लश लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और अप्लाई कर लिया और उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपना कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। एक ब्रश लेकर मैंने अपना पूरा फेस को कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर दिया है। हमें अपना बेस सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई किया है। उसके बाद मैं यहाँ अपना कॉन्टोर ले रही हूँ और कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से मैंने अपने यहाँ पे कॉन्टोर किया है। अब मैंने यहाँ पे अपना ब्लश लिया है और ब्लश ब्रश की हेल्प से मैंने अपने चीक्स पे ब्लश अप्लाई किया है, थोड़ा सा नोज़ पे और थोड़ा सा चिन पे अप्लाई किया है। नाउ आई एम यूजिंग माय हाइलाइटर। एक फ्लफी ब्रश लेके मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है। नाउ मैंने लैक्मे की लिपस्टिक अप्लाई की है और एक आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो बनाई। अब मैं अपना आई मेकअप कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले ब्रश में लाइट ब्राउन शेड लेकर आई क्रीज पे लगाया है, क्रीज से थोड़ा ऊपर ही लगाया है और अच्छे से दोनों आईज पे ब्लेंड करा है। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तभी आपका आई मेकअप अच्छा दिखेगा। उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है। डार्क ब्राउन शेड को मैंने आई की क्रीज पे अप्लाई किया है अच्छे से। आप देख सकते हैं मैं कैसे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये थोड़ा फास्ट करा है मैंने वीडियो को, बट आपको ये काम बहुत आराम से और ध्यान से करना है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद मैंने एक स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया। यहाँ मैंने लाइट पिंक शेड लिया है और आईज़ के आउटर वी पे मैंने अप्लाई किया है और ब्लेंड किया है अंदर की ओर। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया और उस पर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे डाला। ब्रश में मैंने शैम्पेन शेड लिया, सिमर शेड, और अपनी आई कॉर्नर से आउटर वी की तरफ थोड़ा सा अप्लाई किया। पूरा नहीं ले गई, सिर्फ हाफ पे ही मैंने अप्लाई किया है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने उसको ब्लेंड किया और फिर मैंने ब्रश पे पिंक आई शेडो लिया और एक दूसरे से साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे मैंने ये ब्राउन शेड लिया है, लाइट ब्राउन, और अपनी वाटर लाइन पे लगाया है। उसके बाद मैंने अपना हाइलाइटर लिया और अपने आई कॉर्नर पे लगाया है, ब्राउ बोन पे लगाया है। अब यहाँ पे मैंने लिक्विड लाइनर लगाया है। मैंने यहाँ बहुत बेसिक सा लाइनर लगाया है। नाउ अप्लाइंग मस्कारा ऑन माई अपर लैशेज। फर्स्ट लैशेज पहले अपने ऑफ कैमरा लगा दिया था
और अपना पूरा मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट करेंगे। अगर आपको ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।